करने हैं आपने? शेयर करो। नहीं। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए आदर्श है? अभी हम जा रहे हैं वापस गाड़ी के पास, तो अभी गाड़ी में बैठ के जाते हैं यहाँ पे सरोड बोलते हैं कि, और जो मुझे फील हो रहा है वो बड़ मोल को मज़ा आ रहा है, वो मुझे इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा है मैं आपको बता नहीं सकता। और सरोड ना माहौल काफ़ी ऐसे फ्रेंडली कर दिया है। पहले मैं सोच रहा था कि थोड़ा ऐसे नॉर्मल बिहेव ऐसे बच्चों की तरह करूँगा, जो मेरे से बड़ा मुश्किल हो रहा था, बट सर ने खुद अपने आप को ना ऐसे कम्फर्टेबल फील करवा दिया है, मैं आपको बता ही नहीं सकता यार। जो कुत्तों को देखो यार, कितना मज़ा ले रहे हैं कुत्ता, कितना मजा ले रहे हैं यार, बाकी तो छोड़ो। तो अभी फिलहाल हम जा रहे हैं सरोरू के साथ। अभी हम आ गए हैं गाड़ी के पास, बिलवीर भी यहाँ से गाड़ी निकालेंगे। अब हमें कहाँ जाना है वो हमें पता नहीं है, पर अभी हम जाएंगे। बड़ा मजा आ रहा है आज, आज का ब्लॉग बड़ा जबरदस्त होने वाला है यार। मजे दिखते देखते रहना लास्ट तक, नहीं देख मुक्का मारना, मैंने देखते रहना लास्ट तक। लव यू यार, लव यू है आपके साथ इतना ज्यादा, फिर देखते नहीं हो स्पोर्ट किया हो। शेयर भी करना यार इस वाले को, शेयर करना प्लीज यार, बड़ी मेहनत तो करो। शेयर ना कर आए ठंड में, मुंह धो रहा हूँ आपके लिए, शेयर नहीं करने आपने, शेयर करो। नहीं। अभी हम यहाँ से निकल रहे थे तो डल लेक के किनारे किनारे हम जा रहे थे। यहाँ पे है माइग्रेटरी बर्ड्स, जो कि सिर्फ सर्दियों में यहाँ पे आते हैं। मैं अभी वो आपको ना उनका क्लोजअप दिखाता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे उतरा हूँ ना, ये यहाँ से ना आगे की तरफ चले गए हैं, पहले बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल पास थे, तो ये सिर्फ सर्दियों में दिखेंगे यहाँ पे। तो अभी हम आए हैं मुगल गार्डन शालामार में, तो यहाँ पे अभी अंदर जाएंगे, टिकट विकेट लेनी है। तो चिकन बिरयानी इन कश्मीर शालामार, शालामार के एक नंबर। तो अभी सरवण का लंच चल रहा है, सरवण तो हैवी खाना है, हम थोड़ा लाइट डाइटिंग पे, हम क्योंकि सरोवर तो फिट है, हम तीनों डाइटिंग पे हैं, जैसे कि हमारी से देख सकते हो आप। तो अभी हमने ना लाइट लाइट लंच कर लिया, मैंने भी बड़ा लाइट किया, चार ब्रेड पकौड़े खाए, थोड़ी सी चाय पी, बड़ा लाइट था। तो अभी लाइट लाइट लंच करने के बाद अभी हम आ गए हैं मुगल गार्डन शालामार आ गए। तो अभी मैं आपको बाहर का व्यू दिखाता हूँ, तब तक सरोवर टिकट्स ले रहे हैं अंदर जाने की। यहाँ पे आए हुए हैं, यहाँ पे ना कश्मीरी ड्रेसेस और कश्मीरी ज्वेलरी सब सामान यहाँ पे पड़ा हुआ है। और यहाँ पे जो लोग फ़ोटो खिंचवाते हैं ना कश्मीर आके, कश्मीरी ड्रेसेस में यहाँ पे। तो अब ना थोड़ी थोड़ी सर्दी होगी, जैसे कि आप देख सकते हो जैकेट के बटन चटना वो अपनी जिप ऊपर कर लिया। तो ये वो लोकेशन है, यहाँ पे ना फ़ोटो शोटो वगैरह लेते हैं, बट ड्रेसेस लगा के आप अपने फ़ोटो से कैमरे से फ़ोटो नहीं अलाउ है, यहाँ पे अलाउ नहीं करते, उन्हीं के कैमरे से फ़ोटो लेने पड़ेंगे, वो निकाल के भी दे देंगे। तो फिलहाल अभी हम चलते हैं आगे। तो अभी सर वालों को वीडियो शूट ले रहे हैं, वो कुछ सर का काम है तो वो कर रहे हैं, उसके बाद हम यहाँ से आगे जाते हैं। और मेरे पीछे देखो कितना सही पेड़ है, ये देखो। तो जैसे कि अभी हम हुसैन सरोरू के साथ आए थे शालामार गार्डन, तो हुसैन सर बताएंगे ये शालामार गार्डन किसने कब बनाया, क्यों बनाया, इसके पीछे की हिस्ट्री। हाँ, ये मुगल्स ने बनाया है, जहांगीर के वक्त का बनाया हुआ गार्डन है,
और इसके पीछे जो आप ये देख रहे हैं फेरन वगैरह है, और ये जो ज्वेलरी है ये लोकल यहाँ की जो अपने ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं वो हैं, और अक्सर लोग यहाँ आते हैं बाहर से घूमने जो आते हैं वो फिर ये कपड़े पहन के फोटोग्राफ्स लेते हैं। चूँकि इस वक्त विंटर है तो विंटर में लोग बहुत, टूरिस्ट बहुत कम है। आई होप यू विल एंजॉय इट। आप दिखाइए इनको पूरी तरह से। बिल्कुल, अभी मैं आपको ना इसके बैक कैमरे से यहाँ की ड्रेसेस और वो दिखाता हूँ। तो अभी ड्रेसेस वगैरह सामान तो देख लिया होगा, पीछे हमारे बलवीर भी आ जो कि तैयार हो रहे हैं अभी, उनको अंकल तैयार करवा रहे हैं हमारे पूरे ऐसे कश्मीरी, वो दिखाता हूँ अभी मैं आपको। तो अभी यहाँ पे ना हमारा रील का शूट चल रहा है, क्योंकि सारे ना रील बना रहे हो, शहजाद सर को देखिए, एक दुए के खाते ना जिद्दोजहद जितनी कर रहे हैं ना। डायरेक्टर साहब से क्या क्या काम करवा रहे हो, देखो देखो, एक केम के करता दरता, देखिए एक रील के खातिर धुएं के साथ खेलना पड़ रहा है। देखा कितना कितना मुश्किल वाला काम है, आसान काम नहीं है। तो इसलिए सर की रील को शेयर करना जाके, ठीक है। और हमारे सर भी देखिए, और यहाँ पे डायरेक्टर मैं हूँ, DOP मैं हूँ। हम अभी शालामार गार्डन से बाहर आ गए, मैं भैया मीर सर। तो आज काफ़ी मज़ा आया सर के साथ, नई नई चीज़ें सीखने को मिली हमें, शॉट्स लेने के लिए, वीडियो की मतलब शॉट कैसे लेने हैं, किस प्रॉपर वे में किसी चीज़ का भी हम कैसे यूज़ कर सकते हैं फोटो में, वीडियो में। तो थैंक यू सर। हाँ, बहुत मज़ा आया, रील्स देख लेना आप, सर के साथ भी बनाई है हमने। तो अभी फ़िलहाल हम जा रहे हैं यहाँ से डल लेक की तरफ, तो सर को भी जाना, आज हमारी वजह से सर ने अपनी एक मीटिंग थी वो छोड़ दिया, तो अभी सर और का वेट कर रहे हैं। फाइनली हमारे, हेलो सर, सर कैसा एक्सपीरियंस था आज की रील्स का? बहुत मज़ा आया रील्स का भी, और आज फुल डे घूमने का भी। मेरे ख्याल से मुझे याद आता है कि शायद एक दो साल पहले इस तरह का एंजॉय किया था, आज पूरे दिन का बिल्कुल पता नहीं चला। और थैंक्स टू मीर सरवर साहब और हुसैन साहब, इनका टाइम मिला जो इन्होंने पूरी तरह से हमें कश्मीर ऑलमोस्ट घुमाए, है ना। और कल का जो प्रोग्राम है वो सोनामर्ग जाने का है, गुलमर्ग सोनामर्ग जाने का है। तो और भगवान में हमारी घड़ी फंसती है, हाँ ये जय वैली, जय वैली। तो काफी मजा आया, एंजॉय किया हम लोगों ने, आप लोग आए हमें बहुत अच्छा लगा। ऑलवेज वेलकम, जब भी आप चाहें हमारे पास आइए, इसी तरह से घुमा करेंगे, हमें भी मिल जाता है घूमने को। सर आपकी वजह से हमें ये जानने को मिला है हम पत्तों का यूज़ कैसे कर सकते हैं, धुएं का यूज़ कैसे कर सकते हैं। हम तो घर पे सिर्फ मच्छर भगाने के लिए यूज़ करते थे, बट यहाँ पे हमने आज रील्स बनाई है और फोटो खिंचवाए हैं। थैंक यू सर। तो अभी चलते हैं हम होटल की तरफ वापस, तो मिलते हैं आगे रास्ते में। हम अभी शाम की चाय का टाइम है, तो अभी चाय पियेंगे, उसके बाद हम निकलेंगे यहाँ से। ओके, गुड नाइट सर। गुड नाइट, कल मुलाकात होगी तो होगी, नहीं तो फिर अभी खुदा हाफिज़, इंशाल्लाह, बाय गाइस, थैंक यू सर, लव यू सर, अपना ख्याल रखो सर। आपकी वजह से आज हमारा आज का दिन ना सबसे बढ़िया और सबसे खूबसूरत था, इंशाल्लाह और अच्छा हो जाएगा। यस सर, गुड नाइट सर। ठीक है जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह मुलाकात होती सुबह सर।